বুধবার দক্ষিণ কলকাতার বন্দর এলাকায় এনআরসি ও সিএ এর বিরুদ্ধে মহামিছিল বের করলেন তৃণমূল সরকার। অঞ্চলের মহিলাদের সাথে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মিছিলে হাঁটেন 135 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা আক্তারি নিজামি সাহেজাদা। তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে এনআরসি ফিরিয়ে দিতে হবে এবং নাগরিকত্ব আইন তারা কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে লাগু করতে দেবে না। पूरा हिंदुस्तान में जो माहौल चला हुआ है, जो बीजेपी का जो काला कानून सीए के नाम पर जो लाया गया है और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, पर हम समझते हैं कि किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट अभी फिलहाल किया गया है, बाद में सब कोई इसके चक्कर में आएगा। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ सोचेगा, वो राष्ट्रवाद के खिलाफ होगा और जो राष्ट्रवाद के खिलाफ होगा उसको सीए के काला कानून के अंडर में लाया जाएगा। तो आज हम लोग जो निकाला था, ये बेसिकली खास तौर पर हम लोग फीमेल्स का रैली निकाला था, लेकिन एक इतना सेंसिटिव इशू है कि जब रोड पर निकलता है ये रैली, तो फिर जो जाने वाले लोग भी रहते हैं वो भी इस पर जुड़ते जाते हैं और फिर किसी को बोला नहीं जा सकता कि सब इस पर जुड़ते गए और सभी लोग मिलकर इसको कामयाब। नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि जो एनआरसी है जो है इसको लेकर गुमराह किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, इससे किसी कोई नागरिकता जाएगी नहीं आएगी, इस बारे में क्या बोलिएगा? नरेंद्र मोदी जी शायद अपने जो उनका जो सेकंड कमांडर है अमित शाह, उसके स्टेटमेंट को भूल रहे हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह ने अभी नहीं, कई महीनों पहले जब वो बंगाल में आए थे और उसके बाद पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि एनआरसी और सीए से सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। तो खास खास एक इंडिकेशन खास तौर पर दिया था कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम एनआरसी और के अंडर में एक खास कम्युनिटी को लाएंगे, और उनके स्टेटमेंट को ही सुनने से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आज किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह खुद कर चुके हैं और बाकी लोगों को आगे गुमराह करेंगे। पर मोदी जी ये तो बोल चुके हैं कि एनआरसी अभी नहीं आ रहा है, एनआरसी हम नहीं लगाएंगे, सीएस हम लागू करें, ये नागरिकता देगा, लेगा नहीं। तो मोदी जो जो कह रहे हैं, तो आसाम तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, आसाम तो भारत का ही हिस्सा है। आसाम में जो 19 लाख लोगों को एनआरसी से जो लोगों का नाम को खारिज किया गया, काटा गया, क्या तो वो क्या किया गया? तो लोग मोदी जी के बातों को समझें, क्योंकि मोदी जी जब से आए तो झूठ ही बोल रहे हैं, उनका एक भी वादा तो सच निकला नहीं। तो इस बात पर लोग यकीन करें या फिर लोग इस पर यकीन करें जो आसाम में हुआ है, प्रैक्टिकली देखना चाहिए या जो उनका लफ्जी जुमलाबाजी है उसको देखना चाहिए। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास रिजल्ट है आसाम का, और उसी को देख कर हम लोगों को प्रिकॉशन लेना जरूरी है। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, सीए वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीए वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीजेपी होशियार, 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 बीजेपी होशियार, होशियार, होशियार। অনেক মাস ধরে এনআরসি সিএএ ও এনপিআর এর বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করতে দেখা গেছে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিকে। दर्शक को कुछ नया बताना नहीं है, डेढ़ महीने से तो सबको मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम है कि हम लोग एनआरसी के खिलाफ लड़ने के लिए उतर रहे हैं और इसी तरह उतरते रहेंगे जब तक एनआरसी वापस नहीं होगा। পথে নেমে পড়েছে অঞ্চলের প্রতিটি মহিলা, প্রতিটি মহিলাদের মুখে শুধুই একটাই স্লোগান, নো এনআরসি নো সিএ, প্রাণ দিয়ে দেবে কিন্তু নাগরিকত্ব আইন লাগু হতে দেবে না বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে সাবধান করলেন অঞ্চলের মহিলারা। और बीजेपी सरकार को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए मैंने काफ़ी करीब से देखा है, और अभी उसी सरकार का गिरना भी मैं बहुत तेज़ी से देख रही हूँ। बीजेपी एक ऐसा दीमक का पेड़ है जिसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जा रही हैं, और ये दीमक का पेड़ जो है ये हमारी इंडिया की सॉइल को भी ख़राब कर रहा है। तो इसको काटने से अब काम नहीं चलेगा, इसको जड़ से उखाड़ना होगा।
और जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ एक मजहब या एक तरह का तबका नहीं, सब तरह के लोगों की ज़रूरत है, सड़क पे निकलने की ज़रूरत है। और लोग निकल भी रहे हैं, आप देख रहे हैं शाहीन बाग में दो दिन पहले बहुत बड़ी तादाद में हमारे सिख भाई बहन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जुड़े। तो हमको ये जड़ से निकालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली कई सरकारें, जो भी सरकार होगी, उसको ये मालूम हो कि बिगेट्री, जेनोसाइड और ऑब्सेशन करने वाली सरकारों का अंजाम क्या होता है, ताकि उनको ये सबक मिले कि ये इंडिया में नहीं चलेगा, ऑब्सेशन करना इंडिया में नहीं चलेगा। CAA जितने हैं सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये हमारे मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इसमें ये कानून नहीं चलेगा। और ये हुकूमत जब से आई है तब से ऐसे ऐसे कानून बना रही है कि इसको तकसीम करने की इसकी पॉलिसी है। ये हमारी जनता को, जो हमारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई बहन हम लोग एक साथ रहते थे, ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी, इसको ये तकसीम करने के लिए ये सब काम कर रही है ताकि अपने वोट हासिल करें और अपने इकतदार की हवस में अंधी हो गई है और अंधी हो के ऐसे ऐसे कानून बना रही है जो इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हम लोग इसको कायम रखेंगे, इसके लिए लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, इत्तेजाज करेंगे जहाँ भी हो सकेगा। जब आज हम औरतें बाहर निकल आए हैं, पर्देदार जो कभी घर से निकलते नहीं थी, जब आज हम लोग बाहर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग जीत के रहेंगे। और हम उन सबको भी कहना चाहते हैं कि देखिए, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये हिंदुओं के भी ख़िलाफ़ है। ये अभी ऐसा लग रहा है, जैसा कि अभी NPR इन लोगों ने कहा है कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे NPR, अब NPR में क्या करेंगे ये हम तो एक हाउसवाइफ हैं और मेरा नाम तलत कलीम है और हम ये सब चीज़ों में नहीं आते हैं, लेकिन आज हमको निकलना पड़ा है। हम निकले हैं, हम लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। बीजेपी गो बैक, गो बैक, गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक, गो बैक, गो बैक। রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেবেন বলে জানালেন সাকিব সাজাদা।